दोस्तों आज जब 66 फिल्म फेयर अवार्ड का लिस्ट हम लोगों के सामने आया है तो भैया उसे देखने के बाद मेरे दिल में ये आवाज़ उठी कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कहूँ। और ये बात मैं आप लोगों से कई दिनों से कहना चाहता था। दोस्तों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक लॉबी काम करती है जिसका काम है अच्छे फिल्मों का बहिष्कार करना और अच्छे कलाकारों को तिरस्कृत करना। यानी कि भैया ये जो लॉबी है ना तो ये अच्छे फिल्मों की प्रशंसा कर सकती है और ना ही अच्छे कलाकारों का सम्मान कर सकती है। ये बात ये लॉबी कई सालों से बॉलीवुड को बताती आ रही है और ये आज से नहीं हो रहा है, कई दिनों से होता आ रहा है। और आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी, जब भी फिल्म फेयर अवार्ड का लिस्ट हम लोगों के सामने आता है तो आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई इस साल की तो ये सबसे बेहतरीन फिल्म थी और इस कलाकार ने इस फिल्म में सबसे अच्छा काम किया था, तो भैया इन लोगों को ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। और इसी वजह से ये सवाल दिमाग में उठता है कि भाई ये अवार्ड जो है वो बिकाऊ है। यानी कि बॉलीवुड को लेकर आप ये सीधी बात कह सकते हो कि भैया ये हमारी इंडस्ट्री है, हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, हम जिसको चाहेंगे अवार्ड उसी को पहनाएंगे, आपके सोचने आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जिस फिल्म को ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला है वो इनके लिए बेहतरीन फिल्म नहीं हो सकता है। और ये बात इस बार फिर से साबित हो गई है 66 फिल्म फेयर अवार्ड के लिस्ट के माध्यम से। तो भैया चलिए लिस्ट की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है 66 फिल्म फेयर अवार्ड के लिस्ट से। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है और जो कैटेगरी है, पहले आप उस कैटेगरी का नाम सुनिए। तो दोस्तों ये कैटेगरी है बेस्ट फिल्म का। तो भाई आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सोचकर बताओ कि 2020 की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी, कौन सी फिल्म डिजर्व करी है बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड। मैं आप लोगों को दो नाम बोलता हूँ, दो नहीं चलिए मैं तीन नाम बोलता हूँ। एक नाम है तानाजी द अनसंग वॉरियर, उसके बाद जो दूसरा नाम है दिल बिचारा और तीसरा जो नाम है वो है थप्पड़। सोचकर बताइए कि इन तीनों फिल्मों में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलना चाहिए था। आप सोच रहे होंगे तानाजी द अनसंग वॉरियर, आप सोच रहे होंगे दिल बिचारा, तो भैया इन दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म नहीं है। भैया जिस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो है थप्पड़। भाई थप्पड़ को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अब आप ये सोचते रहो कि भाई तानाजी द अनसंग वॉरियर के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और यहां पर मैं बात कहूंगा कि भैया फिल्म फेयर अवार्ड वालों ने बहुत ही चतुराई से बैलेंस किया है कि लोग अगर सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब हम दे देंगे ना, कि भाई हम लोगों ने यहां पर नहीं दिया है ना तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, लेकिन यहां पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो भैया हम लोगों ने तानाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत को तो दे दिया है। यानी कि भैया जो सेकंड कैटेगरी है इस लिस्ट में वो है बेस्ट डायरेक्टर का और यहां पर तानाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर यानी कि ओम राउत को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और भाई ये दोनों अवार्ड इसी फिल्म को जाना चाहिए था, यानी कि पहला और दूसरा, लेकिन यहां पर चतुराई कर गए अवार्ड बांटने वाले। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दूसरे कैटेगरी की। अब इस लिस्ट में जो तीसरा कैटेगरी है वो है बेस्ट एक्टर इन लीड रोल मेल। भाई ये जो अवार्ड जिस एक्टर को दिया गया है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और उनकी काम की प्रशंसा हमेशा बॉलीवुड ने की है और वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। यानी कि ये जो अवार्ड गया है वो स्वर्गवासी कलाकार यानी कि इरफान खान को दिया गया है। तो मैं इस अवार्ड पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इरफान खान के काम पर उंगली उठाना मेरे औकात की बात नहीं है और ये अवार्ड एक डिजर्विंग कैरेक्टर को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यहाँ पर डिजर्विंग कैरेक्टर अजय देवगन भी थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था तानाजी द अनसंग वॉरियर में। तो आप यहां पर सोचकर मुझे बताना कि तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को यहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था कि नहीं मेल कैटेगरी में। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो अगला नाम है यानी कि जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट एक्टर इन लीड रोल फीमेल के लिए। तो भाई यहां पर आप सोचो कि भैया ये अवार्ड किसको मिला होगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, भैया थप्पड़ के लिए
ये अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को। अब आप यहां पर सोचो कि भैया ये जो गैंग है किस तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ये गैंग जो है वो काम करती है केवल अपने लोगों के लिए, यानी भैया 2020 में इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी और दूसरे फीमेल एक्ट्रेस ने नहीं किया है। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से 2020 में और कौन सी ऐसी अदाकारा थी जो कि इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल थी, आप बताइएगा। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो अगला नाम है वो है बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स का अवार्ड जो है। तो भैया क्रिटिक्स के हिसाब से जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। और नो डाउट बॉस, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। उनको जो रोल मिला था उस रोल को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये रोल अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड का कोई दूसरा कलाकार नहीं निभा सकता था। लेकिन यहां भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भैया क्रिटिक्स को यहां सोचना चाहिए था कि भाई अजय देवगन को यहां पर तो अवार्ड दे दे, लेकिन भाई यहां पर भी अजय देवगन को अवार्ड नहीं दिया गया। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का। तो भैया ये जो अवार्ड गया है वो गया है तिलोत्तमा सोमे को इज लव इनफ सर के लिए। तो चलिए, इसमें तो तिलोत्तमा जी ने बहुत अच्छा काम किया था तो भैया उनको ये अवार्ड जाना चाहिए था। और यहां पर भी दूसरे नाम आ सकते थे, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसके बाद जो हम लोगों के सामने जो अगली कैटेगरी है और इस कैटेगरी के लिए जिसको ये अवार्ड मिला है उनका सीधा सीधा संबंध फिल्मी घराने से है। और भाई आप ये नाम गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरी है बेस्ट डेब्यूट फीमेल का और ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है आलिया फर्नीचर वाला को फिल्म जवानी जाने मन के लिए। आप सोचना कि भाई 2020 में इससे बड़ी कोई कलाकार डेब्यू नहीं की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, आप सोचकर मुझे बताना। अब इसके बाद जो कैटेगरी है वो है द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फिक्शन के लिए। तो भाई ये अवार्ड गया है अर्जुन को। अब इसके बाद जो हमारे लिस्ट में अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट फिल्म नॉन फिक्शन का और ये अवार्ड मिला है बैकयार्ड वाइल्ड फिल्म सेंचुरी के लिए। तो दोस्तों ये फिल्म अच्छी थी और ये बिल्कुल सही चुनाव है मैं कहूंगा इस फिल्म के लिए। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो अगली कैटेगरी है वो है द बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का और ये अवार्ड गया है नितेश रमेश पारुलेकर को फिल्म देवी के लिए। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट स्टोरी की। तो भैया आप सोचिए कि ये अवार्ड किसको गया होगा, तो बिल्कुल सही समझा है आप लोगों ने, ये अवार्ड गया है थप्पड़ को यानी कि अनुभव सिन्हा को उनके अनुभव के लिए। भाई मिल गया ये अवार्ड, यानी कि तानाजी द अनसंग वॉरियर अच्छी स्टोरी नहीं थी, यानी कि भैया जितनी भी मेहनत कर ले हमारे बॉलीवुड में कुछ अच्छे लोग अच्छी फिल्मों को लाने का, भाई उनको ये लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं। कैसे सम्मान करेंगे भैया उन वॉरियर्स का जिन लोगों ने भैया हमारे देश के लिए जान दिया था, भाई नहीं कर सकते ये लोग सम्मान। तानाजी द अनसंग वॉरियर को ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, इन लोगों ने ये बात साबित कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया यहां पर कम से कम तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिलना चाहिए था कि नहीं। अब इसके बाद हमारे सामने जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का और ये अवार्ड गया है प्रीतम चक्रवर्ती को फिल्म लूडो के लिए। यानी कि भैया लूडो के अलावा कोई अच्छी फिल्म 2020 में आई ही नहीं जिसका म्यूजिक अच्छा था। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि 2020 में आपको और किस किस फिल्मों के गाने अच्छे लगे थे जिनको ये अवार्ड मिल सकता था। अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट लिरिक्स का और भाई ये अवार्ड जिसको मिला है वो बहुत ही बेहतरीन लेखक है, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गाने दिया और उनके गाने मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो भैया ये अवार्ड मिला है गुलजार जी को फिल्म छपाक के लिए, यानी कि भैया यहाँ पर छपाक को निराश नहीं किया गया है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट में जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का और भाई ये अवार्ड गया है राघव चैतन्य को फिल्म एक टुकड़ा धूप थप्पड़ के लिए। भाई इसके अलावे और कोई अच्छा सिंगर था ही नहीं 2020 में जिन्होंने अच्छा गाना गाया हो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए और ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है एस एस कौर को फिल्म मलंग के लिए। और भाई यही नाम मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि भाई मलंग को
मिलना चाहिए था कम से कम 2 से 3 अवार्ड इसमें। यानी कि भैया मलंग के गानों के साथ में कैसा सौतेला व्यवहार हुआ आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी हम लोगों के सामने है वो है बेस्ट स्क्रीन प्ले का, और ये अवार्ड गया है रोहिणा गेरा को किस फिल्म के लिए, इज लव इनफ सर के लिए। अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट डायलॉग का, और ये अवार्ड मिला है जूही चतुर्वेदी को फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का, और ये अवार्ड गया है राजेश कृष्णन को फिल्म लूट केस के लिए। तो दोस्तों नो डाउट लूट केस बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन भाई बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मेरे हिसाब से ओम राउत को ही मिलना चाहिए था फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। तो दोस्तों ये वो मुख्य कैटेगरीज है जो कि भैया आपका ध्यान आकर्षित करेंगी इस बार, जो कि भैया जारी किया गया है 66 फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से। और भाई आपको ये लिस्ट ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई जो ये लॉबी है जो कि भैया हमेशा से तिरस्कार करते हैं अच्छे कलाकारों का, अच्छी फिल्मों का बहिष्कार करते हैं, क्या ये कभी भी बॉलीवुड में अच्छे लोगों का सम्मान कर सकते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत कर सकते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, क्योंकि भैया इसी वजह से हमेशा से फिल्म फेयर अवार्ड पर ये आरोप लगता आया है कि भाई ये अवार्ड बिकाऊ होते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्णु जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।